हर हर महादेव। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज का एक लेख पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें वर्तमान में हमसे किए गए कई प्रश्नों के उत्तरों का समावेश है। इसको प्रत्येक हिंदू मात्र को बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना, समझना तथा दूसरों को भेजना चाहिए। सनातन धर्म का जो मूल है वो इसमें दर्शाया गया है। देखिए, आजकल कई लोग, अनधिकारी लोग और दूसरे जिसके लिए उनका अधिकार नहीं है, उन कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। प्रश्न देखिए, बाद में उत्तर देंगे। क्या कोई अनुष्ठान ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए या कोई भी जाति वाला कर सकता है? और ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए तो क्यों करवाना चाहिए? ऐसा क्या ब्राह्मणों में खास होता है कि उस अनुष्ठान को ब्राह्मणों से ही करवाया जाए? क्या गुरु, किसी विदुषी स्त्री को गुरु बनाया जा सकता है? क्या नपुंसक हिजड़े, आजकल कहने जाने वाले जो किन्नर हैं, इनको क्या गुरु बनाया जा सकता है? क्या ब्राह्मण किसी योग्य बड़े भारी विद्वान क्षत्रिय या वैश्य को गुरु बना सकता है? क्या कोई उच्च वर्ण वाला व्यक्ति योग्य निम्न वर्ण वाले व्यक्ति को गुरु बना सकता है? क्या महिलाएं कथा कर सकती हैं? कोई भी अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि ब्राह्मण पुरुष के अलावा क्या कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र या महिला कर सकती है? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? और भी कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आगे भी आ जाएगा, वो प्रश्न भी अपने आप स्वतः ही शांत हो जाएंगे। देखिए, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि कौशिक संहिता में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक जो है बहुत ही सुंदर आख्यान आया है, उसको यहाँ उद्धृत किया जाता है। देखिए, पिछले युग की बात है कि एक बहुत गरीब वैश्य थे, परिवार में कोई उनके नहीं रहा, एक ही जो है उनको कोई पत्नी थी और वो पत्नी से भी आपस में नहीं बनती थी और शरीर भी बहुत दुर्बल था, व्याधियों से ग्रस्त था, उनके कोई बालक भी नहीं था, जो भी धंधा करें वो सब चौपट हो जा रहा था, लक्ष्मी देवी रोष्ट थी। उनकी पत्नी कोई पेषण आदि का कार्य करती थी, यानी वो चक्की पीसती थी जिससे उनके घर का भोजन इत्यादि चलता था। शरीर से, समाज से, धन से सबसे हताश होकर के एक दिन वो वैश्य सब कुछ छोड़ करके वन में चला गया। वहाँ वन में उसे ब्रह्म तेज से संपन्न महाराज सांख्यायन मुनि का दर्शन हुआ, तो सांख्यायन मुनि के चरणों में गिर करके प्रार्थना की कि मुझे ये दुख पर दुख क्यों मिल रहे हैं महाराज, इसके निवृत्त होने का क्या उपाय है? इस तरीके से उनको प्रश्न पूछे, उनके चरणों में अपनी जिज्ञासा रखी। तो महर्षि, त्रिकालदर्शी महर्षि ने उसे देख करके बतलाया कि हे वैश्य, तुम्हारे जीवन में जो दुख पर दुख आ रहे हैं इसका कारण क्या है? देखिए, आप पिछले जन्म में कई जन्मों से पहले शूद्र थे और आप बनारस में जाकर के छल से कुछ वेदाध्ययन कर लिए, कुछ जो है शास्त्रों का चिंतन कर लिए, बाद में अपनी विद्या को और बढ़ा करके आप जो है सन्यासी बन गए और सन्यासी बनने के बाद फिर ब्राह्मण शिष्यों को बनाया, ब्राह्मण पुत्रों को अपना शिष्य बनाया, उनसे पैर दबवाए, उनसे जूठा, उनको अपना जूठा भोजन प्रसाद रूप में खिलाया,
ये सब कार्य आपने करे, इसके प्रभाव से आप जो है मर करके फिर उन अनुयायी शिष्यों के साथ लाला भक्ष नाम के नरक में गए। देखिए ब्राह्मण अग्रभोजी है, उसको सर्वप्रथम भोजन कराना चाहिए। आप अपने निम्न वर्ण के होते हुए भी आपने उनको शिष्य बना लिया। वहां के देखिए श्लोक देखिए क्या है, उच्छिष्टम प्राय प्राशयेद विप्रम मोहात स्नेहात हटाच्य सर्वाग्र भोजनम मूढ़ो लाला भक्षम प्रयाति सह। जो कोई मूर्ख मूढ़ अपना उच्छिष्ट जूठा विप्रम प्राशय ब्राह्मण को खिलाता है मोह के कारण यानी अज्ञान के कारण, स्नेहात स्नेह के कारण, हटात हट से सर्वाग्र भोजी ब्राह्मण को जो है अपना उच्छिष्ट भोजन कराता है, समूढ़ा लाला भक्षम प्रयाति सह, वह मूढ़ लाला भक्ष नाम के नरक में जाता है और वहां उसको मलमूत्र खाना पड़ता है। यो हीनश्चोत्तमं वर्णम, अब बताया उन्होंने कि ये सब पाप आपने किए, इसका परिणाम है कि यो हीनश्चोत्तमं वर्णम शिष्यत्वे विनियोजयेत स शूकर मुखम याति ताड्यमानो यमानुगयी। जो कोई हीन वर्ण वाला अपने से उच्च वर्ण वाले व्यक्ति को शिष्यत्वे विनियोजयेत शिष्य बनाता है, यदि कोई क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण को शिष्य बनाता है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय को शिष्य बनाते हैं, या शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण इत्यादि को शूद्र शिष्य बनाता है, इसी प्रकार कोई स्त्री स्त्री के लिए लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रों को तो गुरु बनने का अधिकार ही नहीं है, कभी भी किसी का भी गुरु न बने। स्त्री शूद्राभ्याम गुरुत्वम न कथंचना, ऐसे वचन है शास्त्रों में, इनको जो है गुरुत्व का अधिकार ही नहीं। जब स्त्री शूद्रों को अपने से निम्न वर्ण वाले व्यक्ति को भी उच्च वर्ण वाले के लिए जो है शिष्य बनाने का अधिकार नहीं है, तो फिर ये जो है तथा कथित किन्नर, मुख्य रूप से तो किन्नर एक उपदेव जाति है, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व, पर उनका नाम ले लिया इन्होंने कि भाई हम जो है किन्नर हैं, जो जो एक संड जाति है, नपुंसक जिसको कहते हैं आधुनिक भाषा में, जिसे हिजड़ा कहा जाता है, और वे लोग अपने आप को किन्नर कह करके और राजनीतिक एक किसी प्रकल्प के कारण, और वो जो है कुंभ मेला में जगह प्राप्त कर ली, मंडलेश्वर इत्यादि बन गए और फिर शिष्यत्व जो है बनाने लगे, गुरुत्व ग्रहण कर लिया। तो जो ऐसे लोगों का गुरु बनता है और जो इनका शिष्य बनता है, ये दोनों ही नरक में जाते हैं। ये संख्या मुनि कह रहे हैं, ध्यान देना, हमारी कोई बात नहीं है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए और वो चाहे ये जो है यहाँ लोग कहते हैं भाई हमने तो सब ऐसा कर लिया, हम ज्ञानी हो गए तो हम ब्राह्मण हो गए, नहीं, जाति जन्मना ही रहती है, जाति जन्मना ही होती है, ये बात तो पहले से ही सिद्ध हो चुकी है। और जो लोग जन्मना जाति नहीं मानते हैं वे सनातन धर्मी नहीं है, वे तो सनातन धर्म द्वेषी हैं। उन लोगों को तो फिर क्या होगा, वो तो वही जाने। तो इसलिए कह रहे हैं कि यो हीनश्चोत्तमं वर्णम शिष्यत्वे विनियोजयेत स शूकर मुखम याति ताड्यमानो यमानुगयी। यमानुगों के द्वारा, यम अनुचरों के द्वारा पीड़ित होता हुआ वह व्यक्ति शूकर मुख नाम के नरक में जाता है। तो इस तरीके से फिर वहां के बाद तुम लोग जो है कई लाख वर्षों तक तुम शूकर मुख नाम के नरक में पड़े रहे। ये सब जो संख्या मुनि बता रहे हैं। फिर उसके बाद शौकरी और गर्दभी योनि को प्राप्त हुए, वैसा करता है वो शूकर और गर्दभ बनता है। इस तरह हे वैश्य तुम अनेक योनि में नाना प्रकार का दुख अनुभव करते हुए
और फिर अंत में चांडाल योनी को प्राप्त हुए। फिर किसी पुण्य किसी जन्म के पुण्य प्रभाव से इस बार जो है वैश्य बने हो और यहाँ भी आप नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित हो, ये सब आपके पूर्वकृत पापों का फल है। इसलिए आप ये जो है आपके लिए क्या प्रायश्चित है, कब छूट करके आपके ये दुख छूट जाएंगे, ये मैं नहीं बता सकता। महाराज संख्यान मुनि कह रहे हैं कि इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ये तो तुमको भोगना ही पड़ेगा इतने जन्मों के बाद भी। क्योंकि देखिए संख्यान मुनि बतलाते हैं, कौशिक संहिता में कहा गया है, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रसंग में धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने इसको लिखा है कि ब्राह्मण के अलावा और कोई भी गुरु बनाने योग्य है ही नहीं, वो भी ब्राह्मण पुरुष के अलावा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ऐसा सिद्धांत है कि सामान्य रूप से जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है ना। कर्म प्रधान विश्वरत कर राखा और जो जस कर तस फल चाखा। लेकिन ब्राह्मणों को ये भगवान की एक शक्ति प्रदत्त है कि वे दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। अपना कल्याण करने की दो शक्ति होती हैं, दो प्रकार की शक्तियां हैं, आत्मोद्धारक और परोद्धारक। तो आत्मोद्धारक तो मनुष्य मात्र में शक्ति है, लेकिन परोद्धारक शक्ति केवल ब्राह्मण में है। इसीलिए केवल ब्राह्मण ही गुरु हो सकता है, क्योंकि दूसरा दूसरे का कल्याण करने की शक्ति केवल ब्राह्मण में है। अगर दूसरे का आशिष का वो कल्याण ही न कर पाए तो फिर काय का गुरु है? क्यों गुरु बनाया था? क्या बिगड़ रहा था गुरु के बिना? अरे भाई अपना कल्याण ही तो करना था और दूसरे में कल्याण करने की शक्ति नहीं है, वो केवल ब्राह्मण में ही है, तो क्यों ना ब्राह्मण को गुरु बनाया जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में खुद कहा गया है कि ब्राह्मण वो नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सदा गुरु है। देखिए क्या कहते हैं संख्यायन मुनि कि आत्मोद्धारकता शक्ति परोद्धारकता तथा शक्ति द्वे हीश रचिते स्वाद सोद्धारा सर्वसंस्थिता। स्वात्मोद्धारक शक्ति और परोद्धारक शक्ति, शक्ति द्वे ही ईश रचिते, ईश माने भगवान के द्वारा ये दो शक्तियां रची गई हैं, और स्वात्मोद्धारा सर्वसंस्थिता। स्वात्मोद्धारा अपनी शक्ति अपने उद्धार करने की शक्ति हर एक व्यक्ति में है, लेकिन परोद्धारा न सर्वत्र वैश्य है। हे वैश्य परोद्धारा शक्ति जो है वो सर्वत्र नहीं है, ब्राह्मणम बिना, वो तो ब्राह्मण के बिना और किसी में नहीं है। परोद्धारा न सर्वत्र वैश्य है ब्राह्मणम बिना, विप्रेन्द्र एव सर्वत्र तस्मात् विप्रो गुरुर्भवेत्। विप्रेन्द्र एव वर्तेत, ये भी पाठ है, विप्रेन्द्र एव वर्तेत, ये तो श्रेष्ठ ब्राह्मण में ही शक्ति होती है कि दूसरे का भी कल्याण कर दे। तस्मात् विप्रो गुरुर्भवेत्, इसलिए केवल ब्राह्मण ही गुरु है, तो केवल ब्राह्मण ही गुरु है। तस्मात् विप्रो गुरुर्भवेत्, इसलिए विप्र ही गुरु है, तो ना तो कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री षंड, न स्त्री न षंड हो न पुमान न जंतु, ये कोई भी जो है गुरुत्व के अधिकारी नहीं है। गुरुत्व का अधिकारी तो श्रेष्ठ सदाचारी ब्राह्मण ही है। इसलिए हे वैश्य तुम्हारे द्वारा ये जो है पातक हो गया था कि तुमने जो है ब्राह्मणों को शिष्य बना करके और उनको उच्चिष्ट इत्यादि खिलाया, वेदों का अध्ययन किया, इसका ये दुष्परिणाम हुआ कि अब आप जो परिकर सहित वे शिष्य लोग भी आपके साथ नरक में गए और बहुत दिनों तक अनेक नरकों की यातना भोग करके, और आज तक तुम युग बदल गया, न जाने कितने जो है लाखों वर्ष चले गए, फिर भी आप इस कष्ट को भोग रहे हैं जिसका मैं प्रायश्चित भी नहीं बतला सकता। इसलिए इस अपराध से बचना चाहिए, ये सनातन धर्म का मूल है, वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा। सनातन धर्म का मूल है वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का पालन, वर्ण और आश्रम इनकी मर्यादा का विधिवत शास्त्रों में कहे गए मर्यादा का परिपालन करना।
आश्रम से भी वर्ण मुख्य होता है, ये बात और बतला दो। हमारे यहाँ चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम है ना, जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन चारों आश्रमों से वर्ण की व्यवस्था श्रेष्ठ होती है, क्योंकि वर्ण जन्मना होते हैं और आश्रम यहाँ जो है ग्रहण किए जाते हैं। जन्म होने के बाद जब उपनयन होता है कुछ समय बाद, तो वो ब्रह्मचर्य अवस्था में प्रविष्ट होता है और फिर वहाँ वेदांत ध्यान करते हुए नियमों का पालन करता है। उसके बाद जब उसका विवाह होता है, तो फिर विवाह अग्नि की स्थापना और जो है पत्नी की जो है प्राप्ति करके वो व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए, गार्हस्थ धर्म का परिपालन करते हुए वो गृहस्थ आश्रमी कहलाता है। तो वो गृहस्थ बन गया। उसके बाद में इन सबका गृहस्थ धर्म का परित्याग करके अग्नि को लेकर के वन में चला जाता है पत्नी के साथ या अकेला ही, तो फिर वो वहाँ वानप्रस्थ कहलाता है। और उसके बाद अग्नि को भी अपने में समारोपित करके, सबका परित्याग करके, देह मात्र को भी अपना न मान करके सबसे संन्यास्त हो जाता है, तो सबका त्याग कर देता है, तो उसे फिर सन्यासी कहा जाता है। तो ये तो चारों आश्रम यहाँ स्वतः ग्रहण किए जाते हैं। आश्रमात आश्रमम गच्छेत, आश्रम से आश्रम में जाया जाता है, अथवा एक में ही रह करके जो है कल्याण कर लिया जाता है। लेकिन वर्ण कभी बदला नहीं जाता, वर्ण जो है वो वही रहेगा। वर्ण तो मृत्यु के बाद ही बदला जाएगा, ये निश्चित है। जो लोग भ्रम में डालते हैं कि कर्म से जाति होती है, वे लोग यूं समझ लीजिए कि एक चुहिया को शेर बनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं बनेगा। एक हाथी को चींटी बनाना चाहते हैं, वो कभी नहीं बनेगी बनेगा, क्योंकि वो जन्म से ही होते हैं। जो जिस तरीके का जिसका जो शरीर जैसा बन गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार जैसी आत्मा जिसमें आबद्ध हो गई, वो उसी रूप में उसी प्रकार का रहेगा। अगर कोई कहा है, कहे कि अभी हम जो है अमुक व्यक्ति के पुत्र हैं और दो घंटे बाद अमुक व्यक्ति के पुत्र हो जाएंगे, उसके शुक्राणु अब उसके हो गए, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी तार्किक बुद्धि रखते हैं लोग, और न जाने धर्म के विषय में कैसी कैसी तर्क करते हैं, और इस बात को मान लेते हैं कि अभी हम इसके पुत्र हैं, अब इसके हो जाएंगे, अभी हम जो हमारी ये जाति अभी ये बदल जाएगी, इस विषय में तर्क नहीं करते हैं। न जाने कहाँ उनकी तर्क शक्ति चली जाती है। वैसे बड़े भाई ये करेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, माना कि बड़े भाई जो पंडित हैं और जो तो बड़ी पंडित परंपरा के हैं, और देखा जाए तो वो सब जो हाथ भी नहीं धोते मिट्टी से, वो सब मलमूत्र लगा हुआ पूरे शरीर में, तो ऐसे लोगों की बात है। इसलिए सनातन धर्म की जो वर्णाश्रम की मर्यादा है, उसका परिपालन अवश्य करना चाहिए। वह परिपालन गुरुओं के द्वारा और शिष्यों के द्वारा भी होना चाहिए। आजकल तथाकथित तो गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि भाई जो जैसा गुरु करेंगे तो हमें क्या पता, हमको नहीं पता है, आपको भी पता होना चाहिए। देखिए वो शिष्य भी नरक में गए थे इस आख्यान के द्वारा, उनको तो पता नहीं था, लेकिन भाई तुम ब्राह्मण, तुम पता करो कौन है, योग्य है नहीं है। इसलिए आजकल गुरुओं का बड़ा जो है भंडारा चल रहा है जरा, तो इनसे बड़ा सावधान रहना है। और सनातन धर्म में कुछ निष्ठा रख कर कुछ बातों को पढ़ना समझना भी है, अगर बाद में आपको पता चलता है तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। शिष्य भी गुरु का परित्याग कर सकता है, योग्य शिष्य अयोग्य गुरु का परित्याग कर सकता है, परित्याग करने के लिए वो योग्य है। ये जो वीडियो हमने बनाई है, गुरु का परित्याग क्या शिष्य कर सकता है, एक लेख भी लिखा था, इसको भी सुने समझे पढ़ें, और ये जो वीडियो है ये लेख है, इसको आप स्वयं धारण करें और भी लोगों को प्रेरित करें। हर हर महादेव।